चिड़चिड़ाती गर्मी में कुछ ठंडा मिल जाए तो फिर भाई मजे ही मजे। और जब गर्मी की बात आती है तो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और लस्सी तो याद आ ही जाते हैं, लेकिन जब बचपन की गर्मी के दिनों की याद करें तो नानी का घर और एक रुपए वाली पेप्सी, जिसे कुछ लोग चुस्की के नाम से भी बुलाते हैं। आप क्या बोलते थे इस पेप्सी को कमेंट कर मुझे जरूर बताना। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बिजनेस के बारे में बात करने जा रही हूँ। वैसे जिन्हें समझ नहीं आया मैं उन्हें बताऊँ, आज मैं आपको पेप्सी बिजनेस के बारे में बताऊंगी जिसे आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप किसी नए बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके पूछे गए सवालों पर मैं वीडियो या शॉर्ट्स बना पाऊं। वैसे अब जब हम बचपन के दिनों को याद कर ही रहे हैं तो मुझे एक बात याद आ रही है कि कैसे बचपन में हमें लोग बेवकूफ बनाते थे कि ये जो पेप्सी हम लेते हैं ये गटर के पानी से बना। खैर अब बचपन की यादों को थोड़ा दूर करते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। इस पेप्सी और आइस कैंडी को बनाने के लिए सबसे पहले आरओ का 6 लीटर पानी लें। उस पानी में लगभग 400 ग्राम शक्कर को मिक्स कर दो। उसके बाद उसमें लगभग 25 ग्राम लेमन सेड डालना, फिर उसे मिक्स करना। शक्कर, पानी और नींबू के मिक्स हो जाने के बाद उसमें आधा चम्मच सिट्रिन, बोले तो स्वीटनर 4 ग्राम लगभग डाल दीजिए और आधा चम्मच ऑरेंज कलर ऐड कर दीजिए। उसके बाद उसमें ऑरेंज फ्लेवर मिक्स कर दो। लेकिन हाँ, इसमें एक बात जरूर याद रखना कि आप जो कलर इसमें ऐड कर रहे हैं उसी कलर का फ्रूट का फ्लेवर इसमें मिक्स करें। अब इन सभी को अच्छे से मिला लीजिए। मिक्स हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा सिरका मिला दो। इसे हम एक तरीके से प्रिजर्वेटिव भी बोल सकते हैं। इसको मिक्स करने से इसकी सेल्फ लाइफ 6 मंथ तक बढ़ जाती है। इसके बाद इसको फिर से अच्छे से मिक्स करिए। ये इंग्रेडिएंट आपको किसी भी किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। तो अब पेप्सी बनाते वक्त आपको इन चीजों का रखना होगा ध्यान। जूस में आपका हाथ बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसमें बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो सकते हैं। जब भी आप बनाएं तो हाइजीन का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, जैसे ग्लव्स एंड हेयर नेट जरूर पहन लें। जब पानी में शक्कर और बाकी सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए तो समझ जाइएगा कि आपकी पेप्सी का घोल रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद उसे रोल में भरना होता है। ये आइस कैंडी रोल आपको मार्केट में मिल जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस रोल में आपको घोल को कैसे भरना है। सबसे पहले बनाए गए घोल को छान लीजिए। अगर घोल को आप पानी के नोजल वाले बर्तन को चुनेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। उसके बाद नोजल में कैंडी रोल को टेप की मदद से फिक्स कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप नोजल ओपन करेंगे तो देखना कि टंकी का सारा घोल रोल में आ रहा होगा। अब इस रोल में जैसे जैसे घोल भरता जाएगा वैसे वैसे इस रोल को आप राउंड राउंड लगाते जाइए। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको खुद ब खुद प्रोसेस समझ आ जाएगी। अब जब आपका पूरा घोल कैंडी रोल में फिल हो जाए तो उसके बाद शुरू होती है पेप्सी बनाने की असली प्रोसेस। अब आपको इस रोल को इस सीलर मशीन से एक शेप में कट करना है। तो आप एक मशीन का यूज करके सीलिंग एंड कटिंग दोनों कर सकते हैं। ये 12 इंच सीलिंग मशीन होती है जो प्लास्टिक पाउच पैक करने में काम करती है। ये कास्ट आयरन का बना हुआ है और इसमें हीटिंग ट्रांसफर होता है और हीट के जरिए ही ये पाउच अच्छी तरह से सील हो जाते हैं। इसमें आपको 8 हीटिंग लेवल मिलेंगे, लेकिन आपको सील करने के लिए 4 नंबर पर ही क्लिक करना है। इससे पाउच के लिए प्रॉपर हीट मिल जाती है। इस मशीन का वेट सिर्फ 1.5 ग्राम होता है, जिसे आप आसानी से अलमारी में भी रख सकते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए आपको पावर की जरूरत होगी। आपको नॉर्मल पावर बोर्ड प्लग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके वॉट की, तो ये मशीन 700 वॉट की है और 220 वोल्ट में ही आसानी से चल जाएगी। इस मशीन की एक खास बात ये भी है कि आप इस मशीन का यूज करके आइस कैंडी को अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े साइज में निकाल सकते हैं। जैसे आपके मार्केट में डिमांड हो आप उसके अकॉर्डिंग इसे निकाल सकते हैं। बस कटिंग करते टाइम एक चीज का ध्यान जरूर रखना, अपने बर्तन की नोजल को ओपन रखना। अगर आप अपनी नोजल को बंद कर देंगे तो पाउच के अंदर हवा नहीं जाएगी, जिससे आपकी सीलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और पाउच लीकेज होने लगेगा। तो सील करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जो पेप्सी बनकर रेडी हो गई है, करेंटली ये 2 रुपए की बिक रही है और इसका छोटा पैकेट 1 रुपए का बिक रहा है। वैसे शायद आपको याद हो कि ये पेप्सी आज के टाइम पे 2 रुपए की बिक रही है, लेकिन हमारे टाइम पे ये 1 रुपए की मिलती थी। वैसे तो इस आइस कैंडी के साथ हर किसी की कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। आपकी क्या स्टोरी है?
कमेंट कर मुझे जरूर बताना। हाँ, जो ये पेप्सी रेडी हुई है उसके 25 पाउच का एक पैकेट बना लो। और अब करते हैं पैसों की बात। ये जो 25 पाउच के पैकेट हैं ये 12 रुपए में रेडी हो जाते हैं। मार्केट में इसकी सेलिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो 18 से 20 रुपए की है और रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते ये हो जाते हैं 25 रुपए के। तो अब ये 5 रुपए का प्रॉफिट दुकानदार आसानी से कमा लेता है और 8 रुपए का प्रॉफिट आपके लिए निकलेगा। अगर आप आइस कैंडी का बिजनेस करना चाहते हो और एक दिन में 100 कैंडी के पैकेट रेडी कर सकते हो तो 8 रुपए के मार्जिन के हिसाब से आप पर डे 800 रुपीज कमा सकते हैं और महीने का देखें तो 22 से 24 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं। इस मशीन और टेक्निक को यूज करके कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। तो अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट की। अब कोई भी बिजनेस फ्री में तो स्टार्ट नहीं होता। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको सीलिंग मशीन, जो आपको अमेज़न पे 1000 से 1200 के बीच में मिल जाएगी। रोल और बाकी चीजें आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इसके टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊं तो आपका कम से कम 4 से 5 हजार रुपए लग जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो कमेंट कर मुझे जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।